अपने मोबाइल नंबर पर जो है डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जो है पेमेंट कर सकते हैं अगर किसी को पेमेंट करना होगा तो। लेकिन आप में जो ये ऑप्शन जो है नहीं दिखाई दे रहा होगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाला हैं कि अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं उनके मोबाइल नंबर पर। अगर आपने किसी भी यूपीआई ऐप में जो है अपने अगर डेबिट कार्ड को जो है लिंक नहीं किया हुआ है, लेकिन आपके पास जो है अगर आपके डेबिट कार्ड है उस अकाउंट में जो है पैसा है, तो आप जो है अपने डेबिट कार्ड को यूज करके या क्रेडिट कार्ड को यूज करके किसी के मोबाइल नंबर पर जो है आपको पैसा सेंड करना है किसी के पास, तो आप पैसा जो है आसानी से भेज पाएंगे। तो चलिए कैसे करना है आइए आज की इस नए वीडियो में जो है जानते हैं। तो सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बर्मा टेक। चैनल पर नए आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पेटीएम को जो है ओपन कर लीजिएगा। चलिए हम पेटीएम को जो है ओपन कर लिए हैं। पेटीएम ओपन कर देने के बाद आपको टू मोबाइल और कंटेक्ट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा, क्योंकि हम जो है मोबाइल नंबर पर जो है पैसा भेजने वाले हैं वो भी डेबिट कार्ड के जरिए। तो यहाँ पर हम अपना जो है मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर पहले जो है इंटर किए हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सिंबल जो है बना हुआ है, तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमने जो है पैसा ट्रांसफ़र भी जो है किया हुआ है। तो इसके बाद हम जो है पे वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करेंगे। तब पे वाला ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आप लोग को यहाँ पर जो है अमाउंट इंटर करना होगा कि आप कितना रुपया जो है पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो देखिए हमको यहाँ पर जो है 2 रुपया हम ट्रांसफ़र करके आप लोगों को जो है बताने वाला है। तो जब 2 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ जब स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस नंबर पर अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी जो है कर सकते हैं। लेकिन आप में जो ये ऑप्शन जो है नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमने जो देखिए हमारा जो ये अकाउंट है हम इसी अकाउंट से जो है किसी को जो है पैसा भेज सकते हैं अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से। अगर मान लीजिए हम यूपीआई ऐप से भी अगर लिंक नहीं किए हुए हैं तो अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है किसी दूसरे बैंक का, तो उस हम बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड डालकर या डेबिट कार्ड डालकर जो है हम पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको पास अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को जो है आप लोग चूज कर लीजिएगा। चलिए हम डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन को जो है चूज करेंगे। इसके बाद हम अपना यहाँ पर डेबिट कार्ड का नंबर जो है फुल इंटर करेंगे। इसके बाद डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट और मंथ इंटर करेंगे यहाँ पर। इसके बाद CVV, तो आपको CVV जो है पीछे पर जो कार्ड का दिया गया है तो आप लोग को यहाँ पर जो है डालना होगा। इसके बाद आप लोग को पे वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप लोग को OTP जो है डालना होगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है OTP सेंड किया गया है, तो उस OTP को आपको यहाँ पर डालिएगा। अगर आप में जो है OTP नहीं गया हुआ है तो आप जो है रिसेंड करके दोबारा जो है मंगा सकते हैं सेंड वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करके। तो चलिए हमारे मोबाइल नंबर पर OTP जो है आ गया है, तो OTP डालकर हम कन्फर्म वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि हमने जो है डेबिट कार्ड से 2 रुपया जो है ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है, जिनके पास पैसा डालना था उनके पास पैसा जो है चला जा चुका है। अगर किसी का पेटीएम का अगर बिजनेस अकाउंट है तभी जो है आप उसी अकाउंट पर जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिएगा तो 2000 तक तो आपको जो है MDR चार्ज देना होगा 0.4% का। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आप लोगों को जो है 1.99% का जो है MDR चार्ज जो है देना होगा, तभी जो है आपसे जो है ये चार्ज लिया जाएगा, तभी जो है उनके बैंक अकाउंट में जो है पैसा जो है क्रेडिट होगा। अगर कम पैसा आप पेमेंट करते हैं, चार्ज नहीं पेमेंट कीजिएगा, तो उनमें जो है कम पैसा जो है वहां पर शो करेगा। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट है क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक करें।